हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अर्जित। और आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं Asus ROG फोन 3 के बारे में। इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा चल रही है दोस्तों इस फोन की, लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस फोन की सच्चाइयां, कुछ स्पेक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको जाननी चाहिए इस फोन को लेने से पहले। जी हाँ दोस्तों, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो गाइस। पहले ही बोल देना चाहता हूँ, जो समझदार लोग होने वाले हैं ना, वो इस फोन को नहीं लेने वाले हैं अगर इसकी प्राइस जाती है 50,000 या फिर इसके ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड है ही। सो ये स्टेटमेंट सुन के काफी लोग यहाँ पे बुरा फील करेंगे, मगर दोस्तों आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, इस वीडियो को समझना चाहिए और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम की स्पेक्स लाइक रैम कितना होने वाला है, प्रोसेसर, डिस्प्ले एंड कैमरा एक्सेट्रा, और एक्सपेक्टेड प्राइजेस जैसा कि मैं आपको बता ही दिया हूँ। सो ये फोन लॉन्च होने वाला है दोस्तों 22 जुलाई 2020 को 8:15 जो कि PM में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लॉन्च इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसके स्पेक्स के बारे में चलते हैं, बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.59 इंचेस की यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि एमोलेड होने वाला है, और दोस्तों 144 हर्ट्ज की यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। सो क्यों ना आज के हम लोग स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर लिया जाए थोड़ा सा। आज के स्पॉन्सर है दोस्तों IPVanish। दोस्तों ये प्रोवाइड करते हैं आपको VPN सर्विसेज, और ये कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी है। इंडिया में तो नहीं है दोस्तों, लेकिन US में और बाकी काफ़ी वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी जानी मानी कंपनी निकल के आती है। और मैं बात करूँ इसके VPN सर्विसेज की, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड देते हैं। ये क्लेम करते हैं कि इनके सबसे तेज VPN है, मतलब फास्टेस्ट VPN इन द वर्ल्ड। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 10 यूज़र्स का बेनिफिट भी मिलता है, मतलब 10 लोग को आप यूज़र्स कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके चेक करो, इनका VPN काफी अच्छा होता है। इसके प्राइस इमेजिंग सबको जो आपको देखने को मिल जाएगी। GPU एंड प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ बात करो GPU की तो Adreno 650 का यहाँ पे आपको GPU भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 12GB और 16GB के वेरियंट में ये रैम आने वाला है, और उसके साथ साथ बात करें तो 256, 512 एंड 1TB की स्टोरेज के साथ ही आने वाला है तीन वेरियंट में, UFS 3.0 स्टोरेज के टाइप के साथ। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा बैक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेन कैमरा सेंसर मिलेगा 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल मिलने वाला है, और उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ बात करें दोस्तों फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का आपको नॉर्मल सा कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करें तो अंडर डिस्प्ले जो होता है टेक्नोलॉजी, उसके साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बात करें बैटरी की, तो 5800mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको 30W का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 50,000 से 60,000 के बीच में इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये इंटेलिजेंट पीपल्स इस फोन को नहीं लेंगे, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि iPhone XR जो है वो 50,000 के अराउंड में आता है, और अगर मैं किसी बात करूँ, किसी भी गेमर को आप देख लो, तो वो किसी एंड्रॉयड फोन को ना लेके iOS पे क्यों जाता है। दोस्तों iOS ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल का मिलता है, और उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। और दोस्तों कोई भी गेम अगर आप चलाना चाहो तो वो iPhones में ज्यादा अच्छे से चल जाती है, वो तो मैं क्या, वो कोई भी आपको बोल देगा। सो जी हाँ दोस्तों, अगर ये फोन 50,000 के रेंज में आता है तो मैं ऑब्वियसली बोलना चाहूंगा कि आप इस फोन को ना लेके जरूर से iPhone XR की तरफ जाइए। अब देखो यार दोस्तों, जो बेस्ट है वो बेस्ट है, मुझे सच्चाई बतानी पड़ती है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये 50,000 के ऊपर गया ना, तो इस फोन को बहुत ही कम लोग लेंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे वो तो जरूर से नहीं लेंगे। अब आप क्या बोलते हो दोस्तों, इसे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे भी आपकी व्यूज देखनी है। और उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा कि आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी इस फोन पे हाइप क्रिएट कर रहे हैं उनको भी ये सच्चाई पता चलनी चाहिए। सो यह गाइस दैट्स फॉर टुडे वीडियो, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, दिस इज अर्जित, यू वाचिंग टेक इन। और दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय, बी राइट देयर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।